वांटेड आतंकी और भारत का दुश्मन नंबर एक दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान उसे जहर देने की खबर है। जी हाँ, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हालांकि अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है इस पूरे मामले में, मीडिया में भी इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है रिपोर्ट देखिए। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर भले ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को दो दिन पहले जहर दिए जाने की खबर है, जिसके बाद उसे कराची के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब तक इस बारे में कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिगड़ने की खबर तेज होने पर मुंबई में दाऊद के गुर्गे भी एक्टिव हो गए हैं। मुंबई, दुबई, कोलंबो और कराची के बीच डी कंपनी के गुर्गों के बीच पिछले 24 घंटों में सैकड़ों संदिग्ध कॉल किए जाने की खबर है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी मौत का खंडन किया है। पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद को ISI का संरक्षण है। इंडिविजुअल एक आदमी किसी सिस्टम के साथ नहीं झगड़ सकता, और नेचुरली उसको किसी ना किसी का सपोर्ट होना चाहिए। यह ISI का सपोर्ट था, सबको मालूम था, उसके वजह से अभी तक बचा है। नॉट ओनली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, उसके इंटरनल भी तो क्लैशेस चल रहे थे, उनसे भी बच रहा है वो। जैसे छोटा राजन के ऊपर अटैक हो गया तो छोटा राजन ने भी बहुत कड़ी कोशिश की थी उसको मारने की, तो इंटरनल क्लैशेस से भी बच रहा है, हम पुलिस से भी बच रहा था, इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी से बच रहा है, ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता। हालांकि दाऊद इब्राहिम के एक खास करीबी ने भी दाऊद की मौत की खबर को गलत ठहराया है। करीबी के मुताबिक दाऊद के जन्मदिन से पहले अक्सर ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा में भी दाऊद का मुद्दा उठा। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के डी लिंक पर SIT जाँच की मांग की है। वहीं विपक्षी नेता भी सत्ता पक्ष के नेताओं की डी लिंक की जाँच की मांग कर रहा है।